हाय नमस्कार। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि सर अभी तक एमसीसी कोर्सिंग का कुछ पता नहीं चला। हम सब जानते हैं कि नीट पीजी की भी, जो कि हमसे 2 महीना पहले स्टार्ट होनी थी, और नीट यूजी दोनों ही रुक गए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को डाल दिया था, तो उसके खिलाफ पिटिशंस लगी हुई हैं। और जिस तरह पहले वो 2 केस सॉल्व हुए थे, वो जो 2 मार्क्स दो बच्चे थे नीट में, जिसकी वजह से रिजल्ट डिले हो गया था, लेकिन अब काउंसलिंग प्रोसेस के लिए अलग से पिटिशन डली हुई है, और एक्चुअली दूसरी तरफ तो सरकार खड़ी है, तो पब्लिक वर्सेस सरकार का है ये केस। और पहले जो फाइनल हियरिंग थी वो 23 तारीख को उम्मीद थी, अब एक दिन और टल गई है। उसकी उम्मीद है कि वो आज या कल होगी, और जब तक वो हियरिंग होके फैसला नहीं हो जाता तब तक काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी एमसीसी की, क्योंकि एमसीसी ऑल इंडिया कोटा में आया है। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये पंजाब ने फॉर्म खोल रखे हैं, गुजरात ने फॉर्म खोल रखे हैं, पौंडेचेरी ने फॉर्म खोल रखे हैं, उनका तो ख़त्म भी होने वाला है। तो देखिए, फॉर्म खोलना अलग बात होती है, काउंसलिंग स्टार्ट होना अलग बात होती है। मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ, जब तक एमसीसी का राउंड वन नहीं हो जाएगा, विच मीन्स ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड का, तब तक किसी भी स्टेट का राउंड वन की चॉइस फिलिंग और एडमिशन नहीं होगा। सो बस ये फॉर्म लेके बैठ भर के आप बैठ गए हो, अब ये मान के चलिए, बट इसके अलावा कोई एक्शन नहीं होगा। पर फॉर्म जरूर भर लीजिए जिसको भी इन स्टेट्स का भरना है, लेकिन जो असली एक्शन है वो एमसीसी की काउंसलिंग के बाद ही शुरू होगा। और अब लुकिंग एट एवरीथिंग, आई होप कि रिजल्ट जल्दी आ जाए। लेकिन जो हम पहले बात कर रहे थे, जब नीट रिजल्ट लेट हुआ था, यू नो, हमने गेस किया था कि शायद हम 1 नवंबर से या 15, उसके बाद 15 नवंबर का आया, और अब तो ऐसा लग रहा है कि दिसंबर में जाके काउंसलिंग स्टार्ट होगी। और अगर दिसंबर में जाकर काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो कम से कम जनवरी अंत तक तो काउंसलिंग ही चलेगी। और जो मेरा वो टारगेट था कि क्या 1 फरवरी से सेशन स्टार्ट हो जाएगा, अब वो भी थोड़ा सा डामाडोल हो गया है। तो आई कैन नॉट श्योर, बट राइट नाउ उससे पहले तो चांस है ही नहीं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कब तक सेशन स्टार्ट हो जाएगा, मैं कहा सेशन तो 1 फेब से पहले स्टार्ट हो ही नहीं सकता, लेकिन हाँ अब उम्मीद कीजिए कि दिसंबर अगर 1 को भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जनवरी तक सारी काउंसलिंग प्रोसेस ख़त्म होगी, क्योंकि 2 मंथ तो काउंसलिंग प्रोसेस है ही। सो वेट कीजिए पेशेंटली, हम भी वही कर रहे हैं। धन्यवाद।